માં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અને સર્વોદય આવાસ યોજના માટેનો આજે ડ્રો થયો। લાભાર્થીઓને આવાસ મળતા અનેરી ખુશી। જિંદગીની મહત્વની પળ ગણાવી। દીવમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ફેઝ 1 જેનું આવાસ ગોગલામાં બનાવવામાં આવેલ છે અને સર્વોદય આવાસ યોજના જેનું આવાસ બુચેવાડામાં બનાવવામાં આવેલ છે। આજ રોજ આ યોજનાના લાભાર્થીઓ માટેનો ડ્રો મલારા ઓડિટોરિયમમાં એડીએમ વિવેક કુમાર સાહેબની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો, જેમાં ગોગલામાં 3 બ્લોક છે જેના લાભાર્થીઓ કુલ 199 હતા, તેમાંથી 152 ડ્રો સિસ્ટમમાં પસંદગી પામ્યા અને બુચેવાડામાં 2 બ્લોકમાં કુલ 80 આવાસ છે, જેમાં લાભાર્થીઓ 77 છે જે દરેકને મળેલ છે। આજ રોજ કુલ 229 આવાસ યોજના આપવામાં આવ્યા। લાભાર્થીઓને આ આવાસ મળતા લાભાર્થીઓએ યશસ્વી વડાપ્રધાન અને પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ સાહેબનો ખાસ આભાર માન્યો। આ આવાસ યોજના ઉત્તમ ક્વોલિટીના બનાવવામાં આવેલ છે, પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ સાહેબના માર્ગદર્શન અને નેતૃત્વમાં બનેલા છે, જેની અમીરોના ઘરમાં સુવિધા હોય છે તેના કરતાં પણ સારી સુવિધા આ આવાસમાં કરવામાં આવેલ છે। મલાલામાં આજે ડ્રોના પ્રસંગે એસડીએમ શિવમ મિશ્રા સાહેબ, મામલતદાર શ્રી ધર્મેશ દમણિયા, મ્યુનિસિપાલિટી પ્રમુખ હેમલતાબેન દિનેશ, ઉપપ્રમુખ શ્રી હરેશભાઈ પાચા કાપડિયા અને કાઉન્સિલરો ઉપસ્થિત રહ્યા। हम आगे की प्रक्रिया पूरी करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपको जो यहाँ पर ड्राफ्ट लोड कंप्यूटर सिस्टम से होने वाला है उसके संदर्भ में हमारी जो टेक्निकल टीम है आपको अवगत कराएगी। आपकी जो भी जिज्ञासा है, आपको कोई संदेह है, हमें अवगत कराइए। आपकी संतुष्टि के उपरांत हम लोग कंप्यूटर से आपका आवंटन शुरू करेंगे। इसके समानांतर मैं आपको पुनः दोहराता हूँ, आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पीएमएवाई अर्बन के ड्रॉ ऑफ लॉट के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें 3 ब्लॉक अभी तैयार हो गए हैं, उनमें एक ब्लॉक में 56 हैं, दूसरे में 48 हैं, तीसरे में 48 हैं। इन 3 ब्लॉक के लिए हम लोग आवंटन करेंगे। इसी के समानांतर जो लैंड एक्विजिशन हमने दी में विकास कार्य के लिए किया था, उसमें जिन लोगों के आवास की शीर्षक पर रिहेबिलेशन की जो उनकी नियमों के अनुकूल योग्यता थी, उन 17 लोगों को भी हमने शामिल इसमें किया है। इस प्रकार कुल मिलाकर आज हम 199 लोगों को इस ड्राफ्ट लॉट में शामिल कर रहे हैं और उनको 56 प्लस 48 प्लस 48 3 जो ब्लॉक हैं, उनमें हम लोग उनको फ्लैट आवंटित करेंगे। तो मैं अब डीएओ साहब से चाहूंगा कि वो जो ड्राफ्ट लॉट के लिए उन्होंने जो सॉफ्ट प्रोग्रामिंग की है उससे आप लोगों को अवगत कराएं, और कुछ भी सवाल होता है कि सर इस तरह से करना है, वी विल फॉलो दैट। ठीक है, शुरू कीजिए। और पूर्ण विश्वास के साथ ये ड्राओ फ्लोट हो, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई थी, स्क्रीनिंग कमेटी, जिसमें एसडीएम दीव, मामलतदार दीव और सीडीपीओ दीव, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की है। उसके बाद में ये जो प्रोग्रामिंग इन्होंने की है उसको भी उन्होंने जांचा है और उसको बिल्कुल सही पाया है। और अब मैं पुनः डीए साहब को कहता कहूंगा कि जो उन्होंने प्रोग्रामिंग की है उसको पब्लिक से शेयर करें और उनकी कंसेंट के बाद हम इसको फॉलो करेंगे। ये करीब करीब वैसी प्रक्रिया है जब हम लोग इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जब हमारे जो पोलिंग पार्टी है, ईवीएम है, उनका रैंडमलेशन करते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में, सेम उसी तरह से ये ड्राफ्ट लॉट का भी प्रोग्रामिंग है। आप लोगों को इस शीर्षक पर और ज्यादा विश्वास दिलाने के लिए और ये प्रक्रिया पारदर्शी है, इसको मजबूती से आपके सामने रख लेंगे। हमने क्या किया था, एक प्रक्रिया होती है कि हमने वन क्लिक किया और एक साथ पूरी लिस्ट निकल गई, लेकिन जो आपके काउंसलर्स हैं उन्होंने हमें कहा था कि नहीं सर, ड्राफ्ट लॉट में अब की बार हम जो फिजिकल पर्ची सिस्टम होता है चाहे उसको अवॉइड कर दीजिए, लेकिन हर बार जैसे अभी एक बार क्लिक किया तो एक फ्लैट का आया कि जो हमारे पास में 3 ब्लॉक में 56 प्लस 48 प्लस 48 जो फ्लैट्स अवेलेबल हैं उनमें एक बार क्लिक किया तो एक का आया, फिर दूसरी बार क्लिक तो दूसरी बार आया। हमने उस प्रोसेस को अवॉइड किया है जिसमें वन क्लिक में पूरी लिस्ट एक साथ आ जाती है,
क्योंकि उससे फिर आप लोगों को लगेगा कि शायद ये पहले से लिस्ट बनी हुई है। आप मेरी बात समझ गए? आप में से हम लोगों आप लोगों को बुलाएंगे मंच पे और आप खुद बटन दबाएंगे और फिर आपको फील होगा कि हाँ हमने खुद ने ड्रा ऑफ लॉट में भाग लिया है। आप मतलब बात समझने की कोशिश कीजिए। ओके यस। पहला जो आवंटन हुआ है वो नंदूभाई देवा गांधीपाड़ा दीप को हुआ है। वो डिस्प्ले आएगा, वो डिस्प्ले आएगा अभी, वो डिस्प्ले आएगा, डिस्प्ले आएगा और उसको हम जब तक यहाँ से लॉक नहीं करेंगे तब तक वो लॉक नहीं होगा। आपके स्पीकर के लेके हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट 10 नंबर मां ब्लॉक नंबर इधर रखते। ओके चल लखाई क्यों भाई चार